वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड मेन टॉपिक जो था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के आगे हमारे पास एक सब टॉपिक है और वो एक सब टॉपिक के आगे फर्दर सब टॉपिक्स है। तो सबसे पहले उसके आगे टोटल कितने सब टॉपिक्स है ये बात करते हैं। तो 9 सब टॉपिक्स हैं जो सेकंड मेन टॉपिक है उसके आगे एक सब टॉपिक है। क्या नाम है उसका? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के आगे 9 सब टॉपिक्स है, वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज है ना। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी भी बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एयर की वॉल्यूम जो इंस्पायर और एक्सपायर्ड की जाती है नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान, इट इज़ अप्रॉक्स 500 मिलीलीटर। और एक हेल्थी मैन जो है एक्सपायर और इंस्पायर कर सकता है अप्रॉक्सीमेटली 6,000 to 8,000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। क्लियर है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? IRV क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम, एयर की एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर करता है बाय फॉरसीबल इंस्पिरेशन के दौरान एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इंस्पायर करता है उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी एवरेज 2,500 मिलीलीटर to 3,000 मिलीलीटर होती है। देन आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम ERV बोलते हैं। तो ये एडिशनल वॉल्यूम है एयर की जिसको कोई पर्सन जो है कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है बाय अ फॉरसीबल एक्सपिरेशन के दौरान पर्सन जो है एक्सपायर कर सकता है, और इसकी एवरेज जो है 1,000 मिलीलीटर से 1,100 मिलीलीटर हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ, रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर अ फॉरसीबल एक्सपिरेशन। तो वो एयर की वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाती है आफ्टर अ फॉरसीबल एक्सपिरेशन उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। इसको हम RV से डिनोट करते हैं, और उसके साथ साथ ही इसकी एवरेज 1,100 मिलीलीटर से 1,200 मिलीलीटर तक होती है। देन फिफ्थ आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जिसको हम IC बोलते हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो टोटल वॉल्यूम एयर की जो पर्सन है इंस्पायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, जिसको हम ये बोल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अभी बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की जिसको हम EC बोलते हैं। तो टोटल वॉल्यूम एयर की जिसको पर्सन क्या कर सकता है? एक्सपायर कर सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। देन सेवन्थ आता है फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी FRC। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो वॉल्यूम एयर की जो लंग्स की नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद भी रहती है लंग्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होती है? फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब 8th सब टॉपिक की बात करते हैं जो है वाइटल कैपेसिटी जिसको हम VC बोलते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर की मैक्सिमम वॉल्यूम जिसको एक पर्सन जो है ब्रीद कर सकता है इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम एयर की टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, मतलब कि टोटल जो भी है, मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम बोल सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी को, जो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है सारा? तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक फिनिश होता है, उसके आगे एक सब टॉपिक भी फिनिश होता है, उस सब टॉपिक के आगे 9 सब टॉपिक से वो भी फिनिश होता है।